इस तरीके से किसी आदमी को भाई वहीं रखना, भाई वो दरी बिछाने के लिए ही रहे, हमें चेयरमैन भी नहीं देखना चाहते कोटला साहब। तो आपका दर्द बहुत है दिल में ना, मतलब निकल निकल के आ रहा है, मैं बोल नहीं रहा, मैं क्वेश्चन कम कर रहा हूँ, लेकिन दर्द ही इतना है कि घोड़ाला जी के प्रति पूरा का पूरा एक तरह से गड़ा भरा हुआ है, लेकिन छलक रहा है, पूरा फूटा नहीं है अभी। शर्मा जी, दर्द वही होता है जहाँ पर रिलेशन इतने मजबूत गाढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और फिर वहां से एक धोखा मिल जाता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया हमें जी साहब, दीपेंद्र जी ने कहा भी हाँ जानता हूँ मैं, एक दो बार अपने घर आए हुए प्रोग्राम किए मैंने। तो लुका जी, हम है ना एमसी साहब को, जय साहब की मिसिज को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा चाहते और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो एमपी साहब ने ये कहा भाई ये तो पूछने की बात नहीं है, मजबूती से लड़ो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, जिस टाइम जरूरत होगी मुझे बताना, मैं पूरा सहयोग करूंगा, और मुझे आना भी पड़ गया तो बताना, मैं आ भी जाऊंगा। इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया। मैंने वीडियो देखी थी जो आपने इंटरव्यू लिया था उनका, जी जी, कि मैं बरवाड़ा छोड़ दूंगा अगर मौन या कोई और आदमी ये कह दे कि ये बात हुई थी। तो बरवाड़ा तो छोटा छोटा आया जो वोट नहीं डालने आया, वोट नहीं डालने आया, जो वोट की अहमियत नहीं समझते, तो वो झूठ बड़े स्टाइल से बोलते हैं। तो उन्होंने बार बार ये कहा घोड़ला साहब को, कई बार रिपीट किया भाई अगर आप मैडम को इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना, तो घोड़ला साहब मैदान में आके खुले रूप से आपने वोट मांगने पड़ेंगे, अदरवाइज टाल कर देना। तो उनका ये जवाब था अभी दब के इलेक्शन लड़ेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, खुला इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। घोड़ला साहब का कहना था। हाँ हाँ, घोड़ला साहब का ही कहना। किसान रेस्ट हाउस है, वहाँ मीटिंग हुई जी। अपने सुनील जी है मित्तल जी, उनकी दुकान पे कई बार मीटिंग हुई, वहाँ भी पम्मी सरदार जी ने और अपने मणिराम वर्मा जी उनको बार बार यही कहा भी घोड़ला साहब कुंजड़ ना दबा लियो, इलेक्शन लड़ाना है तो मैदान में आपने खुल के आना पड़ेगा, विजयी साहब तो इम्प्लॉई है जी। तो कह रहे क्या बात कर दी, मोह भंग हो जाता है ना, वहां वो कुछ भी बन जाए, मर्यादा और अपना जो क्या जमीर होती है ना वो हम नहीं मारेंगे, हमने तो जिससे नाता तोड़ लिया तोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में और निरंतर पॉलिटिकल लोगों से हम लोग बातचीत करते रहते हैं अलग अलग मसलों को लेकर। आज हम आए हैं बरवाला में, एक मसला है, पिछले दिनों नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव था, पार्षदों का चुनाव था, उसी बीच मैदान में खड़ी थी बबीता हंस जी, मैदान में थी और उनके पति हमारे साथ है मोहन जी जेई, जैसे कि यहाँ जो प्रसिद्ध हैं पूरे के पूरे, उनके हस्बैंड हैं, जैसे कि एक तरह से इन्होंने पहले सरकारी जॉब में थे, अभी सेवानिवृत्त हुए, चार ही महीने हुए। हमने बात अगर बात करें तो यहाँ की जो एक तरह से राजनीति मसला है उसको लेकर कई बार ना चर्चे आते हैं कि बबीता हंस जी मैदान में थी, कई लोगों ने उनको मैदान में उतार दिया, बाद में उनको बलि का बकरा बना के छोड़ दिया, इस तरह की बातें थी। उसको लेकर हमने पिछले दिनों यहाँ से जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ला जी से ही बातचीत की थी, उन्होंने एक तरह से सारी बातों को दरकिनार कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर हम आज बात करेंगे। जय साहब से हमारे साथ हैं, पूरा का पूरा अगर एक तरह से जो गेम चल रहा था उसके एक तरह से भूमिका में ये भी एक तरह से स्वयं भी थे, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी मैदान में खड़ी थी, हम बात करेंगे आज। सर नमस्कार, आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और आपका स्वागत है। आरएसएन एक्सप्रेस ने आजकल जो फील्ड के अंदर जी हर वर्ग की आवाज को उठाने की कोशिश की है और लगातार जारी है, उसके लिए आप काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। और हम कोशिश करेंगे कि आप पूरे समाज के हर तबके को जी इस रूप में प्रतिनिधित्व जो है ना उनका उजागर करते रहेंगे, समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। आप भी प्रशासन से जूझते हैं जी, और प्रशासन उस आपके जुझारूपन से प्रभावित होकर उन कार्यों को भी पूरा करने की कोशिश करता है जी। इसलिए आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, आपका कीमती टाइम देने के लिए जी, और हम आपका धन्यवाद करते जी। आपने इतना मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी साहब, हम लोग बात करेंगे, जैसे पिछला चुनाव था, मैडम यहाँ से एक तरह से चेयरमैनशिप की चुनाव मैदान में उतरी हुई थी जी। कुछ बातें ना उन दिनों ये आया हुआ था कि मैडम को कई लोगों ने, राजनेताओं ने, पूर्व विधायक ने, जैसे रामनिवास घोड़ेला जी या कहीं उनके इशारे पर उन्होंने मैदान में तो उतार दिया, बाद में उन्होंने हाथ खींच लिया। और ये भी बात आई थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई नहीं मैदान में उतरो, हम लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरह की बातें थी, आखिर हकीकत क्या था ये? हकीकत शर्मा जी, ये बच्चा पैदा होने के बाद 13 साल में लगभग जवान हो जाता है जी। जब रामनिवास घोड़ेला जी एमएलए बने, विधायक बने, यहाँ
उसी टाइम से हम इसके साथ थे जी, और धीरे धीरे रिलेशन इतने हो गए कि हम पारिवारिक रिलेशन बन गए जी। तो रामनिवास गुड़ेला साहब जब भी हिसार से चलते थे तो या तो मेरे घर आते थे या मुझे इन्फॉर्म करते थे कि मैं फला जगह जा रहा हूँ जी, और चंडीगढ़ से आते थे तब भी मेरे घर स्टे करके जाते थे, नहीं रुकते तो बता के जाते थे। कहने का मतलब यह है कि इतने हमारे प्रगाढ़ रिलेशन थे जी जी। तो अब बात ये हुई इलेक्शन की, तो जब इलेक्शन की चर्चाएं शुरू हो गई थी नगर पालिकाओं की, तो एक दिन हम हिसार में इसके घर पे बैठे थे, तो इसने मुझे एक बात की शुरुआत करी कि मोहन भाई चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, सीट ओपन की है जी, मेरा बड़ा भाई जो सीताराम जी है सीताराम से और हमारी परिवार में बैठ के बातचीत हुई, भाई सरकार के 2.5 साल पड़े हैं लगभग जी, अगर अपना चेयरमैन बरवाला शहर में नहीं बनता है तो हमारी पूरी की पूरी टीम जी डाइवर्ट होके वहां चली जाएगी, तो उसके लिए मैं बताओ क्या करना है। तो उनका हम ये चाहते हैं, हमने सलाह की है कि हम अपने एमसी साहब को मैडम बबीता को चेयरमैन की तैयारी करो, मगर अभी चेयरमैन की तैयारी करा लो, इलेक्शन आपने लड़ना पड़ेगा, मैं तो इम्प्लॉई हूँ, डोर टू डोर आपने जाना पड़ेगा, आप लड़ना चाहते हो जी तो लड़ा दें, खर्चा जो भी लगेगा जायज में लगा दूंगा। तो उनका ठीक है, तो उसके तहत इन्होंने फिर मेरे को एक दिन फोन करके कहा भी मोहन भाई 26 जनवरी का दिन था शायद, 5-6 महीने इलेक्शन के पड़े थे जी, कि आप जो है होर्डिंग लगा दो, मेरा फोटो लगा दो, दीपेंद्र हुड्डा का लगा दो, और पत्रकारों से मेरी बात हुई है, उनने 5-7 पत्रकार मेरे पास भेजे, और जनरली जैसे मैं उनकी सेवा करता था तो उसी रूटीन में मैंने उनको जैसे भी मेरा जो है ना मेरा जो है ना हिसाब किताब था उनकी मैंने सेवा की और होर्डिंग बड़ा लगा दी जी। उसके बाद डिक्लेयर हो गया, लोग कहने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ोगे, भाई मैडम को लड़ा रहे हैं होडला साहब। तो क्या हुआ फिर सारी चीजें तय हो गई, एक दिन टुहाना नरवाना के पास है ना एक फौजी साहब थे जवान शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे लड़ते हुए, तो दीपेंद्र हुड्डा जी वहां बैठने आए थे, तो उसके साथ हम भी थे, हम अपनी गाड़ी में थे, गोड़ला साहब अलग थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, लगभग रात के 11 बज गए जी, तो हम आगे थे आगे आगे और दीपेंद्र वगैरह पीछे थे, तो दीपेंद्र जी गोड़ला साहब के साथ ही थे, गाड़ी आगे पीछे थी जी। तो गोड़ला साहब ने फोन किया मुझे, भाई मोहन घर नहीं जाना, आपने आंसी वाला जो पुल है ना वहां रुक जाना है बाईपास। मैं रुक गया, ये लड़का मेरे साथ था छोटे वाला, और साथ में राजेंद्र जो भट्टे वाला सिंगला जी थे वो आज दुनिया में नहीं है बेचारे जी, जी। वो भी वहां हमारे साथ ही थे। तो इन्होंने दीपेंद्र जी जब पहुंचे तो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, हमने कहा जी साहब, तो दीपेंद्र जी ने कहा भी हाँ जानता हूँ मैं, तो एक दो बार अपने घर आए हुए प्रोग्राम किए मैंने, तो लुका जी हम है ना एमसी साहब को जय साहब की मिसिज को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो एमपी साहब ने ये कहा भाई ये तो पूछने की बात नहीं है, मजबूती से लड़ो, जहां भी मेरी जरूरत होगी जिस टाइम जरूरत होगी मुझे बताना, मैं पूरा सहयोग करूंगा, और मुझे आना भी पड़ गया तो बताना, मैं आ भी जाऊंगा, और टिकट तो शायद कांग्रेस पार्टी नगर निगम को ही देगी, शायद नगर पालिका को नहीं देंगे, ये उसने बताया। तो उनको आप ठीक है अपना आदमी है और तैयारी करो जी, बात तय होगी। बात तय होने के बाद उसके बाद हम रूटीन में जैसे गोड़ला साहब आते ही है चाय का प्रोग्राम है, इधर उधर दुख सुख में बैठने जाना था तो हम गाड़ी में होते थे, तो कई बार पम्मी सरदार अपने और साथ में एक मनीराम वर्मा जी है उधर सैनी मोहल्ले की साइड में रहते हैं जी, जी वो मेरे साथ ही होते थे गोड़ला साहब की गाड़ी में, तो उन्होंने बार बार ये कहा गोड़ला साहब को, कई बार रिपीट किया भाई अगर आप मैडम को इलेक्शन लड़ना चाहते हो ना तो गोड़ला साहब मैदान में आके खुले रूप से आपने वोट मांगने पड़ेंगे, अदरवाइज टाल कर देना। तो उनका ये जवाब था अभी दब के इलेक्शन लड़ेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, खुला इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, गोड़ेला साहब का कहना था। हाँ हाँ गोड़ेला साहब का ही कहना। तो उसके बाद बात तय होगी जी, हमने सोचा भी ठीक है तैयारी कर रहे हैं ये। फिर उन्होंने क्या हुआ जब नजदीक इलेक्शन आ गया तो हमने होर्डिंग वगैरह लगा दिए जी मैडम के, और साथ में इन्होंने मीटिंग की, कई 6-7 मीटिंग की,
किसान रेस्ट हाउस है वहाँ मीटिंग हुई जी। अपने अपने सुनील जी है मित्तल जी उनकी दुकान पे कई बार मीटिंग हुई, वहाँ भी पम्मी सरदार जी ने और अपने मणिराम वर्मा जी जी उनको बार बार यही कहा भी गोडला साहब कुंजड़ ना दबा लियो, इलेक्शन लड़ाना है तो मैदान में आपने खुल के आना पड़ेगा, विजयी साहब तो इम्प्लॉई है जी। के बात कर दी अपना एक भाई सारे कार्यकर्ता है, एक भाई अगर इलेक्शन लड़ेगा तो मैं उसके साथ मैदान में हूंगा, अगर वही दो या तीन ज्यादा हो जाएंगे अपने वर्कर तो फिर मेरी मजबूरी होगी, ये उनका जवाब था। एक आधी मीटिंग में मेरे मैं भी शामिल हो गया था, तो ये सारी चीजें तय हो गई थी। और दीपेंद्र जी के बात तय होने के बाद फिर हमने प्रोग्राम तय किया जी। तो गोडला साहब बोले भाई अपनी तैयारी करो, कई बार मैं और मेरा लड़का ये विवेक हंस हम साथ में गए, उसने बुलाया भी फोन करके मोहन कैसी तैयारी चल रही है जी, मगर तैयारी बहुत बढ़िया है, प्रचार शुरू कर दिया है जी, तो आप कब आओगे? बस मैं भी आऊंगा, आप तैयारी करो। तो शर्मा जी शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हमने बार बार मैंने फोन किया भी आओ आप और दफ्तर का मुहूर्त भी करना है, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा तुम तैयारी करो, हमने दफ्तर का मुहूर्त भी कर दिया, फोन किया नहीं आए, बाना बुना मार दिया। और उसके बाद इलेक्शन के बीच में भी हमने कई बार अपील की, मैं उसके रेजिडेंस पे भी गया, रात को भी गया, ये भाई मेरे साथ था, रात को उसके रेजिडेंस पे गया, मैं कि क्या कारण है, आपने तो मैदान में वैसे छोड़ दिया, मैं ऐसा थोड़ी होता है, तो नहीं नहीं मोहन भाई ऐसे है ऐसे है, मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता ना करो, मैं जूटा खड़ा हूँ, मैं आपके वोट मांग रहा हूँ ऐसे, वो तो हमें पता था क्या वोट मांग रहा है। तो उसमें बाबू जी लास्ट में आखिरी में आ गया इलेक्शन, और इलेक्शन के दिन मैंने एजेंट से फोन करवाया भाई गोडला साहब को ये बोलो भी चार वोट हैं, कम से कम वोट तो डालने आ जाओ, किसी को दे देना। उसने फोन किया एजेंट ने, तो गोडला साहब क्या बोलते हैं भाई 11 आदमी खड़े हैं भाई ठीक है, ये मैं की ना वोट, तो इस टाइप की उन्होंने बात की, वोट डालने भी नहीं आया। तो विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार टिकट भी लेके आए कांग्रेस की, और तीसरी बार उन्होंने आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन भी लड़ा और अच्छे वोट भी ले गए थे, लेकिन वो जनप्रतिनिधि जो इतने महत्वपूर्ण पद पे रह लिया, वोट की अहमियत नहीं समझी उसने, चार वोट डालने को नहीं आए, मतलब वोट डालने के लिए कहने के बावजूद भी नहीं आया, बुलाने के बावजूद, तो चार वोट मायने रखते हैं, एक वोट से भी जो है ना इलेक्शन का रिजल्ट उलट फेर हो जाता है। तो ये बात बड़े स्टाइल से करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं ना वही लोग दगाबाज होते हैं, इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया। मैंने वीडियो देखी थी जो आपने इंटरव्यू लिया था उनका जी, कि मैं बरवाड़ा छोड़ दूंगा अगर मोहन या कोई और आदमी ये कह दे कि ये बात हुई थी, तो बरवाड़ा तो छोटा छोटा आया जो वोट नहीं डालने आया, वोट नहीं डालने आया जो वोट की अहमियत नहीं समझते, तो वो झूठ बड़े स्टाइल से बोलते हैं। तो झूठ का मैं एक आधा उदाहरण और दूंगा आपको जी, जी। इस दौरान जो 15 साल का जो पीरियड था, इसमें ये क्यों झूठ बोलते हैं और इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि अगला समझ सामने वाला आदमी सोचेगा कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, मतलब इनकी काबिलियत है झूठ बोलने को कैसे सच में परिवर्तित किया जाता है। तो मैंने बाबू जी बहुत बड़ी टीम थी बरवाड़ा के अंदर, धर्मेंद्र बंजारा, राजा मेहता और दूसरे हमारे बहुत सारे साथी थे जी, संदीप गर्ग, अनिल गर्ग, मुकेश गर्ग, तो बड़ी टीम थी हमारी जी जी, और हमने हजारों चाय पिला दी थी इनको 15 साल। बात ये हुई कि इन्होंने साफ स्पष्ट रूप से हमारी जो टीम थी ना जी, जगह जगह टाइम टू टाइम इतने झूठ बोले कि वो इरिटेट हो गए, वो नाराज होके घर बैठ जाते, वर्किंग नहीं करते। तीन चार बार तो मेरे घर यहीं बैठे बैठे हमने मीटिंग कराई, उनका कंप्रोमाइज कराया, गोडला साहब आप अपने आप को इम्प्रूव करो, वर्कर के सामने सच्चाई बोलो, झूठ कभी नहीं बोलनी चाहिए, सच्चाई बोल दो आप भी, ये बात ऐसे है, अब मेरे को मेरे से वायदा कुछ कर गए आप और इम्प्लीमेंट कुछ कर रहे हो, तो वर्कर तो इरिटेट होगा, आप पे कैसे विश्वास करेगा। तो कुल मिला के इन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। तो जैसे कि आपने पूरी कहानी बता दी कैसे क्या हुआ, तो जैसे अगर मैदान में उतार दिया, उसके बाद एक बार भी वोट मांगने के लिए भी आपके पास नहीं आए कि हमें जाके
उनको वोट देने के लिए अपील करूं या फोन से लगूं कि हाँ बबीता हंस को हमने उतार दिया मैदान में, उनको सपोर्ट करना है? सवाल ही पैदा नहीं। मैं एक दिन सुबह सुबह इलेक्शन कैंपेन के मतलब दौरान मैं अकेला जाता था कई जगह, जो शहर के जो मौजूद वीआईपी लोग थे, तो मैं एक दिन सुबह सुबह लगभग 6 बजे अपने जयनारायण राजली वाले जी हैं उनके घर चला गया। तो उन्होंने वार्तालाप करी, नाश्ता नुश्ता भी किया मैंने, तो उन्होंने पूछताछ करी क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्लियर बताया भी देखो ऐसा है मोहन जी, आपके बबीता हंस के मैदान में आड़े से है ना मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है, कैंडिडेट तो दो ही हैं जो हमारी नजरों में है, भैया एक रमेश बैटरी है और एक बबीता हंस मैदान में आई, क्योंकि जो वोट बैंक है कास्ट का लगा लो इधर उधर लगा लो, तो हम उसमें उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप फाइट करोगे या अच्छा हुआ तो आप जीत भी सकते हो। तो कुछ टाइम उन्होंने हम थोड़ा गली में भी घूमे, डोर टू डोर भी गए और हमारे साथ भी घूमे आधा पौना घंटा। तो उनका तो ये रूटीन था भाई आगे हम देखेंगे भाई क्या हवा बनती है, लोगों का क्या रुझान होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ये बात होने के बाद फिर मैंने घोड़ला साहब को फोन किया, मगर विधायक जी आप तो बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ गए, ना कोई फोन है ना कोई लेना, मेरे हवाले जी इलेक्शन छोड़ दिया, इलेक्शन तो आपके कंधों पे था आपने लड़ा है, मगर आप एक काम तो करो भाई अपने जयनारायण जी हैं राजली वाले उनसे फोन पे बात करो भी कम से कम आप हमारे लिए बबीता हंस के लिए ना उनको जो है ना मोटिवेट करो या उनसे अपील करो। तो उन्होंने भाई मोहन है उन्होंने शुरू में ये कह दिया वो देखो प्रधान जी हैं वो अपनी बात कैसे मानेंगे क्या करेंगे, गोल मटोल सी बात कर दी, मगर आप करके तो देखो मैं ऐसे ऐसे गया तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया मुझे। तो उन्होंने बातचीत करी किस रूप में करी, तो उन्होंने कहा भाई मोहन भाई नहीं आपने आपाना आप खुद ही लड़ना पड़ेगा, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको आपने बताई है, मैं चलो मतलब हर जगह आपको उन्होंने गोली दी है, मिट्टी गोली दी हर जगह, वो मतलब पीछे हटने की कोशिश की, मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश की हमें। तो हमने शर्मा जी वास्तव में बड़ाई की बात नहीं करता, इलेक्शन अगर लड़ा तो हमने लड़ा है, हम डोर टू डोर कैंपेन किया हमने, हमने एक वो बरवाड़ा के लिए डॉक्यूमेंट बनाया था, विजन बनाया था हमने, वो गारंटी थी एक तरह से जी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमने वो लगभग 8,000 जो है ना वो छिपवाए थे जी पंपलेट वो पूरे कोशिश की हमने हर डोर टू डोर दुकानों पे हर घर में वो हमने डॉक्यूमेंट पहुंचाया। और खुशी की बात ये है भाई आज भी मैं कहीं जाता हूँ ना मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई जो आपका वो डॉक्यूमेंट था ना वो हमने आज भी अलमारी में संभाल के रखा हुआ है, वो बड़ा शानदार नुका आपने प्रोग्राम तय किया था और दुर्भाग्यवश हम जो है ना नहीं आ पाए। तो इसमें उन्होंने अंदर खाते मदद किसको की फिर, आप लोगों को तो एक तरह से गोलीबाजी पे बलि का बकरा बना के छोड़ दिया आप लोगों को। हाँ, तो जैसा चुनाव लड़ो चुनाव लड़ो बबीता हंस मैदान में उतार के उसके बाद हाथ खींच लिए, ऊपर का आशीर्वाद भी कह दिया है उसके बाद संभालने वाला कोई नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न पूछा आपने। तो क्या हुआ इलेक्शन के 10-12 दिन बाकी थे जी, तो घोड़ला साहब ने तो कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, हमने तो सोच लिया अपने आप ही लड़ना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाया हमने जैसे भी रूपरेखा तैयार की। तो रमेश बैटरी वाला ने पूरे तो होर्डिंग और पगड़ी उसका रंग गुलाबी तो गुलाबी कर दिया, मुझे तो पता था घोड़ला साहब कहाँ घूम रहे हैं आजकल, और वो जो नई बात सामने आई मैंने उसका रिएक्शन लेने के लिए घोड़ला साहब को फोन किया, मैं घोड़ला साहब मैं अपने रमेश बैटरी जी को ये पीली गुलाबी पगड़ी किसका बंधा दी, किसने बंधाई है, मैं गया ये तो मगर रंग मगा आपका था अपना था हैं, और मगा भाई अपने रमेश जी तो बैटरी जी अपने मगा ये तो बीजेपी से भाई पहले भी इनके संबंध रहे हैं, मैंने एक वैसे बात की नुका भाई मोहन बात नु है गुलाबी रंग खुशी का रंग होता है, तेरा जी कर तो बांध ले मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं मतलब। हाँ, ये उनका जवाब था, हमारे घरेलू रिलेशन थे बिल्कुल घरेलू थे, हर बात हम शेयर करते थे। तो वहां इतना दर्द हुआ कि भाई गुलाबी पगड़ी आपका जिक्र आप बांध लो, तो वहां एक तरह से उसने अपने ऊपर कांटा बांध। तो अब जैसे आने वाले समय में चुनाव है
तैयारी कर रहे हो तो कह रहे हैं जीत का बल रामनिवास घोड़ेला यहीं से जीतेगा, तो आपका क्या रहेगा, जो आपके साथ बीता है उसका बदला आप किस तरह से बदला लेंगे या सोच लेंगे चलो जो कर गया ठीक है, कि क्या रहने वाला है? देखो शर्मा जी, बदले की भावना तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं आपको, भाई जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और हमने एक स्लोगन दिया था इलेक्शन में, मैं नहीं हम, वो काफी प्रचारित भी हुआ था, और हम की भाषा में विश्वास रखते हैं जी। तो घोड़ेला साहब की जो मैं है ना, ये बड़ी चुभती है बहुत सारे लोगों को, हालांकि उसके सामने वो नहीं बोल पाते, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं होती, मैं को त्यागना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, शुरू में जो फर्स्ट टेन्योर था इनका, एमएलए साहब बने थे, तो उस टाइम क्या हुआ भाई, काम किए थे ना उन्होंने, जैसे भी किए हम भी साथ में थे, वो काम करने में हमारी टीम भी साथ थे, और उसके बाद दोबारा फिर टिकट लेके आए, सीटिंग गेटिंग जो फार्मूला था, सीटिंग एमएलए है। तो अगर वो लोग पब्लिक बरवाड़ा की इतनी खुश होती तो दूसरी बार जीत जाने चाहिए थे, फिर तीसरी बार भाग गई, ओके कांग्रेस पार्टी ने टिकट किसी को भी दे दी, लगभग 18,000 वोट लेके गए थे ये, तो वो कहां जाते, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जाते, 7,500 तो उनको आए थे, तो काफी हद तक नजदीक करीब पहुंच जाते। तो आपको अभी क्या लगता है, क्योंकि हालांकि वो तो कह रहे हैं कांग्रेस हुड्डा साहब का मैं नजदीकी हूँ, हुड्डा साहब की जिंदाबाद के नारे में लगाता हूँ, हालांकि कांग्रेस का नाम कम हुड्डा साहब का ज्यादा लेते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार का अगर हुड्डा साहब अगर उनकी बात चल पड़ी कांग्रेस पार्टी में तो उनको टिकट देंगे? शर्मा जी मेरी बात सुनो, मेरे इलाज गुहाना से है, जो बड़े भूपेंद्र जी हैं हुड्डा साहब, वो मेरे ससुर के, मेरी फैमिली मेरे जो ना इलाज है ससुराल के, वो फैमिली वकील रहे हैं जी लंबे समय तक, जब वकालत करते थे हुड्डा साहब, और आते जाते वहाँ हुक्का पानी पी के जाते थे, हमारे रिलेशन है उधर से भी है, और हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ना कांग्रेस से जुड़ी हुई है। घोड़ला साहब तो कल आए होंगे, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना जुड़े हुए हैं, और हुड्डा साहब से तो हम बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो अब हुड्डा साहब, मेरे घर भी दीपेंद्र जी का 2 बार प्रोग्राम किया मैंने, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, एक बार यहाँ जनसभा भी की थी अपने, मैंने करवाई थी घोड़ला साहब के लिए। तो कहने का मतलब ये है भाई, बार त्योहार को जितने पत्रकार भाई हैं या जो भी होर्डिंग के खर्चे होते हैं, रैलियां तो हुड्डा साहब ने 10 साल तक लगातार जारी रखी थी, गाड़ी घोड़े जो भी हमारे जुम्मे लगते थे, तो कहने का मतलब 13 साल में आप खर्चा लगा लो, हमने अपने लिए नहीं, घोड़ेला साहब के हर इलेक्शन में मैं तन मन और धन से इनकी मदद की है। तो उसी का फल आपको दे दिया उन्होंने, वो फल क्यों दिया हमें, कहीं भाई बुरा किया होगा किसी टाइम पिछले जन्म में किया होगा भुगता, हम डोर टू डोर गए, पूरी फैमिली निकलती है हमारे, बच्चे से लेके मैडम तक पूरे बरवाड़ा में डोर टू डोर वोट मांगते थे तीनों इलेक्शन में से, तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो दर्द तो होता है। तो जैसे कि इस वक्त अगर बात करें बरवाला में बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक भी हैं जी जी। तो आप किसको, कौन से पार्टी के साथ फिलहाल अगर लगे लोगे, तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही आप हो हाँ। लेकिन कैसा ऐसा नुमाइंदा इस बार चुनने वाले हो आप लोग, क्या लगता जी? नुमाइंदा तो हम चाहते हैं भी, इस तरह के धोखेबाज लोग तो नहीं आने चाहिए मैदान में, आम जनता को, हम आम जनता से आते, हम कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं है, सर्विसमैन आदमी था, चलो रोटी पानी का जुगाड़ तो हो ही जाता है, लेकिन इस तरीके से किसी आदमी को भाई वहीं रखना, भाई वो दरी बिछाने के लिए ही रहे, हमें चेयरमैन भी नहीं देखना चाहते घोड़ला साहब तो। आपका दर्द बहुत है दिल में ना, मतलब निकल निकल के आ रहा है, मैं बोल नहीं रहा, मैं क्वेश्चन कम कर रहा हूँ, लेकिन दर्द इतना है कि घोड़ला जी के प्रति पूरा का पूरा एक तरह से गड़ा भरा हुआ है, लेकिन छलक रहा है, पूरा फूटा नहीं है अभी। जी शर्मा जी, दर्द वही होता है जहाँ पर रिलेशन इतने मजबूत हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और फिर वहां से एक धोखा मिल जाता है, दर्द वही होता है। चलो ये इंटरव्यू देखने के बाद घोड़ला साहब फोन करेंगे, मोहन भाई ये क्या कह दिया तूने, ये क्या कर दिया, फिर ऐसा तो नहीं है कि फिर उन्हीं के शरण में आप चले जाएं? नहीं, घोड़ला साहब ने कभी मेरे को फोन किया ही नहीं, ये इंटरव्यू देखने के बाद हो सकता है फोन करें आपको? नहीं देखो, मैंने बताया भाई, हिसार से चलते थे मुझे इन्फॉर्म करते थे, मेरे घर आते थे, चंडीगढ़ से आते थे मुझे इन्फॉर्म करते थे भाई मैं चाय कॉफी पी के जाऊं,
इलेक्शन के बाद कोई राम राम ही नहीं, जबकि चलो बधाई देना अच्छी बात है, भी मैं भी तो उसका एक आदमी था, चलो उसने जो गलती की जैसे किया वो जाने, लेकिन उनका फर्ज बने था कि कम से कम सांत्वना देने के लिए तो हमें आते, वो बधाई देने रमेश जी के घर गए, उनके साथ घूमे भी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए। अगर आपका कोई आदमी ऐसे हार जाता है तो सांत्वना देने तो जाते हो, इसका मतलब वो हमारे थे ही नहीं, उन्हें तो हमें प्रयोग किया। तो उन्होंने जैसे कि पहले तो इंटरव्यू में भी, हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, अगर मैंने कहा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बरवाला नहीं जाऊंगा, इस तरह की बातें थी। तो पूरी तरह से आपने स्पष्ट कर दिया है कि बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, दीपेंद्र से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने स्वयं ने कहा था कि मैदान में उतरना है, आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए निकलूंगा। यही बात हुई थी, तभी तो मैं तैयार हुआ था, और मैं पम्मी सरदार जी का नाम लिया, उनसे कभी मिले पूछ लेना। उन्होंने कहा था भाई आप जो है ना खुल के मैदान में आना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ाते हो। अब मैंने एक बात और सुनी थी आपके उसमें उनके इंटरव्यू में कि भाई जब मैंने मोहन को ये कहा भाई इलेक्शन की तैयारी करो और शुरू कर दो, उस टाइम तो मोहन लाल ने लड़ा नहीं, बाद में लड़ा, तब तक मेरे आदमी भाग गए। ये बात आपको जस्ती है भाई? शुरू से तैयारी कराने वाले 6 महीने पहले भोड़ेला साहब, और हमने सारी विधिवत तरीके से तैयारी की, पत्रकारों को भी हमने जो है ना जो भी हमने करना था उनसे हमने बताया भाई हम लड़ने जा रहे हैं, हमारा सहयोग भी करना, जैसे हमारी एड भी लगाना, तो सारी बातें शुरू से तय हुई। तो ये बात कैसे हजम होगी कि भाई जब मैंने कहा था वो तो लड़ा नहीं, तो आने वाले मतलब कि जैसे इतना नजदीकी संबंध होने के बाद, इतना वो करने के बाद भी इस तरह का धोखा भी राजनीतिक लोग आम लोगों के एक तरह विश्वास में जो चलते हैं वो खा सकते हैं, उनको ठोकर खा सकते हैं, मतलब जैसे आपने ठोकर खाई। बिल्कुल ठोकर खा सकते हैं जी, और जनता इसीलिए पॉलिटिक्स के ऊपर राजनीतिक जो लोग है ना इसीलिए मतलब विश्वास नहीं करती कि देखो एक हमने तो सोचा था आम घर से आदमी जो है घोटाला साहब आए हैं तो हमने तो इसके लिए अपना सब कुछ डिवोट कर दिया था, इसके लिए हम काम कर रहे थे, नहीं इतनी वर्किंग, इतनी एक्टिविटी, इतना खर्चा पानी हम अपने लिए करते तो बाबूजी हम थोड़ा बहुत आज कहीं ना कहीं और राइज होते। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे तो घोड़ेला साहब के साथ जाने वाले नहीं हो? देखो वो वक्त बताएगा, तो अभी तो मतलब मूड नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म का, और मैं समझता हूँ कि धोखेबाजों से तो परमानेंट कन्नी काट लेनी चाहिए। अच्छा, मेरी मतलब ऐसा सोचना है जी। साफ स्पष्ट और जो भी है सीधा चलना दबा जीती हमारे पास नहीं है, तो घोड़ला साहब किस मुंह से जो है ना इलेक्शन के अंदर मैदान में उतर के, चलो चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए चाहे मंत्री बन जाए अलग बात है, लेकिन जहां आदमी का मोह भंग हो जाता है ना वहां वो कुछ भी बन जाए, मर्यादा और अपना जो क्या जमीर होती है ना वो हम नहीं मारेंगे, हमने तो जिससे नाता तोड़ लिया तोड़। इस बार के चुनाव में लोग कहते हैं कि जैसे था कि दागी और बागी को हम चुनाव में मैदान में उतरने नहीं देंगे या उतर जाएंगे तो उनको वोट दे देंगे, इस तरह की बातें भी हैं। तो घोड़ेला साहब तो पूरी तैयारी करके मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिलना और जुलना, फोटो डालना सोशल मीडिया पे, पूरी एक तरह से वो चल रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना उसको रियलिटी का तो पता है, हकीकत का पता भी, शायद आपको टिकट नहीं मिलने जा रही क्योंकि अभी जो अपने हाई कमान से सेंटर से जो लोग आए थे ऑब्जर्व वगैरह जी, मैं उस मीटिंग में था जी जी। अच्छा, तो वहां सामने ये बात आई थी भाई जो लोग बागी हुए थे पार्टी के कैंडिडेट के सामने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनसे हमारी पर्सनल बात हुई थी, अलग भाई वन बाई वन बुला रहे थे वो, तो मैंने ये बात रखी थी। और दूसरी बात ये है भाई जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं ये सारे फैक्टर काउंट होंगे, किसने पार्टी से दगा किया और उसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे राजस्थान में सुनने में आया भी राजस्थान में कोई ऐसी पॉलिसी लागू की जा रही है, तो यहाँ मेरे ख्याल से वही होने जा रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर वो ये पॉलिसी यहाँ पे एक तरह से लागू होगी तो घोड़ेला साहब का पत्ता कट गया? यानी घोड़ेला साहब अब देखो जो अपने उनका लड़का है सुरेश घोड़ेला वो हमारा भाई है, हमारा बेटा लगा लो भतीजा लगा लो, लेकिन मैं एक बात कहूंगा भी वर्कर बहुत सारे हैं, अब घोड़ेला साहब के पीछे जो लोग पीठ पीछे जो बोलते हैं आजकल आ रहे जा रहे हैं ना, मैं सुनता हूँ भाई देखो घोड़ेला साहब ने 3 बार कोशिश की इलेक्शन लड़ा, अब वो अपने लड़के को मैदान में उतारने की कोशिश में है। अच्छा, तो
तो ये चीजें उसके साथ रहने वाले लोग ही बोलते हैं। तो ये तो उनका एक नई खबर निकल के आई, नई खबर आपके मुंह से, जय साहब ने एक नई खबर और निकाल दी है कि घोटेला साहब के बेटे मैदान में उतर सकते हैं। इस तरह की बात, अगर पार्टी बागी को और दागी को अगर टिकट नहीं देगी तो वहीं पे एक तरह से उनके बेटे के लिए टिकट मांगने की बात, वो उसकी तैयारी कर भी रहे हैं, शायद उनको साथ भी रखते हैं और मंच भी साझा करते हैं। और ये उनके जो साथ में रहने वाले लोग है ना जी, वो पीठ पीछे बताते हैं उनका, यार ये तो फिर जो अनाई नहीं का रह गया हमारा क्या रहेगा, और पर कर कहां जाएंगे, मगर भी आप जानो। चलो जय साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप ऐसे लगे रहो जी, आते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। और जैसे कि जय साहब से हमने रामनिवास घोड़ेला जी से जो संबंध थे, और पिछले दिनों बबीता हंसी यहाँ से मैदान में उतरी थी और उनको आशीर्वाद की बात थी कि रामनिवास घोड़ेला जी ने मैदान में उतारा है वोट मांगने के लिए, वो जाएंगे, और उसको लेके रामनिवास घोड़ेला जी ने एक तरह से बात वो कहा था कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं, अगर जय साहब मुझे ये कह दे तो मैं बरवाला छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन सारी बातों का जवाब इन्होंने दिया, स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक तरह से पीठ में छोरा घुपने का काम रामनिवास घोड़ेला ने किया, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैदान में उतार के और ना वोट मांगने गए, और स्वयं का खुद का वोट डालने के लिए फोन किया गया, वो भी अपना वोट डालने के लिए भी नहीं आए, इस तरह की बात रामनिवास घोड़ेला जी ने की है, ये कहना है जय साहब का। तो आप आरएसएन के एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, और जय साहब ने जो बात कही है आपको कैसी लगी, विशेष तौर से बरवाला हल्के के लोग और बरवाला शहर के लोग, इनकी बातों में कितना दम है और इन्होंने जो बात कही है क्या वाकई में सच्चाई है, इस पर कमेंट करके भी आप बताएं। चलो जय साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बढ़ास थी आपकी और निकली, और एक तरह से घोड़ेला साहब स्वयं देख भी रहे होंगे जो घोड़ेला साहब से सवाल किए थे, और उन्होंने कहा तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, बबीता हंस को मैंने कोई मैदान में नहीं उतारा, नहीं मैंने ये कहा था कि आप वो करो ना, दीपेंद्र जी से मुलाकात हुई, सारी बात आपने स्पष्ट कर दी, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।